नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल स्टार्टेक 186 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में Instagram का MySpace सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखा है प्राइमरी और यहां पर लिखा है दोस्तों जर्नल, तो यह दोनों है क्या दोस्तों, मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। और आपको मालूम है तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं मालूम है इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि यह दोनों सेटिंग है क्या, प्राइमरी और जर्नल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने इंस्टाग्राम में आ जाएंगे। इंस्टाग्राम आने के बाद दोस्तों अगर आपने लॉगिन नहीं कर रखा हो तो लॉगिन कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, अगर आप मेरे को फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैं होम पेज पर आ जाता हूँ। होम पेज पर आने के बाद दोस्तों मैं मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा दोस्तों, यहाँ पर दो सेटिंग आपको मिल जाएंगी, प्राइमरी और जर्नल की सेटिंग। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ प्राइमरी सेटिंग क्या है। दोस्तों आप प्राइमरी सेटिंग में जिन बंदों से बात किए होंगे उन बंदों को आपका दिखाएगा मैसेज, आप कितने बजे ऑनलाइन थे और कितने बजे ऑफलाइन है। तो यहाँ पर दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पर 14 मिनट पहले मैं ऑनलाइन था और ये अभी ऑनलाइन थी, यहाँ पर 15 मिनट पहले और यहाँ पर 6 घंटे पहले दिखा रहा है दोस्तों। और वही सेटिंग यहाँ पर जर्नल पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर नहीं दिखाएगा दोस्तों कि मैं कब ऑनलाइन रहता हूँ और कब ऑफलाइन रहता हूँ। तो यही दोनों सेटिंग दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे को दो मैसेज आया हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस मैसेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन आया है, तो एक्सेप्ट का ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो सेटिंग आ जाएंगी, प्राइमरी और जर्नल की सेटिंग। दोस्तों अगर आप इसे प्राइमरी में करेंगे तो इस बंदे को दिखाएगा कि आप कितने बजे ऑफलाइन रहते हैं और कितने बजे ऑनलाइन रहते हैं। अगर इसको जर्नल में करेंगे दोस्तों तो जर्नल में इसको नहीं दिखाएगा कि आप कितने बजे ऑनलाइन रहते हैं और कितने बजे ऑफलाइन रहते हैं। तो मैं जर्नल में कर चुका हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर जर्नल पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इसका मैसेज यहाँ पर आया हुआ है, तो मैं कितने बजे ऑफलाइन हूँ या कितने बजे ऑनलाइन हूँ वह नहीं दिखाएगा इसको। प्राइमरी में देख सकते हैं दोस्तों, प्राइमरी में मैं ऑफलाइन को कितने बजे रहता हूँ और ऑनलाइन कितने बजे रहता हूँ वह सब दिखाएगा। यहाँ पर एक और मैसेज आया हुआ है तो उसको भी मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं प्राइमरी में कर लेता हूँ। इस बंदे को दिखाएगा कि मैं कितने बजे ऑनलाइन रहता हूँ और कितने बजे ऑफलाइन रहता हूँ। यहाँ पर इसका मैसेज है एक दिन पहले का। और दोस्तों आप चाहते हैं जो बंदा आपके प्राइमरी में आ चुका है अगर उसको जर्नल में करना चाहते हैं तो उसके मैसेज वाले प्रोफाइल पर क्लिक करिएगा। इस तरह क्लिक करो दोस्तों, यहाँ पर मूव टू जर्नल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो यह बंदा जर्नल में चला जाएगा और इसको नहीं दिखाई देगा कि आप कितने बजे ऑफलाइन है कितने बजे ऑनलाइन है। और दोस्तों कोई बंदा जर्नल में है, उसको चाहते हैं कि वह आपके प्राइमरी सेटिंग में आ जाए कि आप कितने बजे ऑनलाइन रहते हैं कितने बजे ऑफलाइन रहते हैं उसको दिखाए, तो आपको उसके फिर से प्रोफाइल पर क्लिक करना है और उसके बाद से मूव टू प्राइमरी पर क्लिक कर देना है। तो यह आपके प्राइमरी वाले मैसेज में आ जाएगा, तो इस बंदे को दिखाएगा कि आप कितने बजे ऑनलाइन है या कितने बजे ऑफलाइन है। तो यही कुछ सेटिंग है दोस्तों इंस्टाग्राम मैसेज की, प्राइमरी और जर्नल सेटिंग। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों से शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करने को दोस्तों इस पास में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।